चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना और डीएसटी की टीम ने एक अवैध शराब की दुकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर डीएसटी टीम को सूचना मिली कि शंभूपुरा थाना क्षेत्र के ओडी हाईवे के पास एक अवैध शराब की दुकान चल रही है, जिस पर शंभूपुरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची और अवैध शराब से भरी दुकान का लाइसेंस सेल्समैन से पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर पुलिस ने सेल्समैन राजकुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस दुकान के मालिक का पता कर रही है। पुलिस ने आरोपी खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।